इनका नियम होता था कि जितने इब्रजवासी ग्वालवाल बालक थे, ये नित्य प्रति अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे और कन्हैया को पवाया करते थे। तो आज जब चारों ओर ग्वालवाल सखा बैठे हैं, बीच में कन्हैया बैठे हैं, एक दूसरे का भोग प्रसाद पा रहे हैं महाराज, कन्हैया को वो पवाएं, वो कन्हैया को पवाएं, और इसी झूठन को पाते देख लिया किसने? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को बड़ा संशय हो गया महाराज, इसीलिए कहा ना मुह्यंती यत सूर्या, अर्थात बड़े बड़े सूर्य वीर मोहित हो गए, समझ नहीं पाए उसकी लीला को। तो साधारण मनुष्य क्या समझेगा, उन पर तर्क वितर्क कर देता है। अब ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि ये वही भगवान है, ये भगवान है, भगवान किसी की झूठन खाते हैं? भगवान कभी किसी की झूठन खाएंगे? वो भी चाट चाट के खा रहा है, मुख से चाट के खा रहा है महाराज, ऐसे भगवान क्या किसी की झूठन खाते? और यदि भगवान नहीं है तो फिर स्तुति करने तो मैं भी गया था, तो अब मुझे परीक्षण लेना होगा। इसीलिए कहा ना परीक्षा हम भगवान की लेते हैं, जबकि परीक्षा संसार की लेनी चाहिए, लेकिन हम लेते ब्रह्मा जी की तरह किसकी? भगवान की है, कि भगवान मेरी मदद करता है कि नहीं करता है, देखना है। भगवान हर समय आपके साथ है। किस प्रकार है कि एक राजा के बाग में एक माली काम करता था, तो आज नित्य प्रति उसका नियम होता था, वो अपने राजा के लिए कोई ना कोई फल जो तैयार हो जाती पूर्ण रूप से उसे तोड़ करके ले करके जाता था। तो उसने आज फल तोड़ा, उसके मन में विचार आया क्यों ना आज मैं अंगूर तोड़ करके महाराज के लिए लेकर के जाऊं। अंगूर लेकर के गया महाराज। अब महाराज अंगूर चख रहे हैं, माली बैठ गया सामने, महाराज एक अंगूर पाए एक उसके ऊपर मार दे, ऐसे ही क्रम चलता रहा। और वो बोलता गया, जब तक उसको मारते रहे तो वो भी बोलता रहा कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तेरी महिमा परंपार, तेरी बड़ी कृपा है। तो राजा ये सब सुन रहा था, राजा ने बुलाया कि इधर आ, मैं तुझे कब से मार रहा हूँ, तू कुछ बोल नहीं रहा। बोल रहा है तो सिर्फ इतना ही बोला कि भगवान तेरी बड़ी कृपा, तो मैं तुझे मार रहा हूँ इसमें भगवान की कृपा क्या है? तो बोले महाराज पक करके तो और फल भी तैयार थे, नारियल भी तैयार था, यदि मैं आज नारियल ले आता तो सोचिए मेरा सिर बचता कि नहीं बचता महाराज, इसलिए भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तूने मेरे मन में लाया कि अंगूर ले जा, नहीं तो आज तेरी स्थिति खराब होने वाली है। तो भगवान हर समय है महाराज, हम परीक्षा सिर्फ भगवान की लेने का प्रयास करते हैं, जबकि परीक्षा संसार की होती है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी से भी गलती हो गई, किस लिए? देखना पड़ेगा। तब भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि अरे ब्रह्मा जी आप हो, आपकी लीला है, तो आपकी लीला आपकी ही भाषा से समझाएंगे आपको, जो जैसे समझे उसे वैसे समझाइए, वैसे ही उसको उत्तर दीजिए उसी की भाषा में, तार्किक को तार्किक भाषा में ही उत्तर दी जाती है, कबीर बाबा जैसे ना महाराज। इसीलिए कबीर बाबा की बोली को कहा जाता था कि कबीर दास की उल्टी वाणी और बरसे कम्बल भीगे पानी। तो जिस प्रकार जो समझे उसे उसी प्रकार समझाया जाता है, ब्रह्मा जी को उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। भगवान ने एक वर्ष तक ये लीला की, अपने शरीर से जितने ग्वालवाल जितने बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराए थे प्रकट कर दिए। अब ये लीला चलती रही महाराज एक वर्ष तक। एक दिन बलदाऊ भैया ने कहा चोरे लाला कहा लीला चल रही है जे बता, जे सवरे जो बछड़े हैं इनकी मैया जो गौ माता है ये अपने बछड़न ते नेक एक बरस ते तो बड़ो ही प्रेम करे। कहा लीला चली। बोले दाऊ भैया समझ तो सबरी वातन को आप गए हो, अब बात ऐसी है कि लीला संपन्न होने का समय है, कुछ दिन और इंतजार करो। अब ब्रह्मा जी ने वहां से देखा कि देखूं तो जिनको लाया हूं तो उनका मालिक कैसी स्थिति में, देखा तो मालिक तो यहाँ डोल रहा है महाराज हंसते हुए, उसको कहा बात की चिंता। ब्रह्मा जी ने देखा कि वही ब्रजमंडल, वही बछड़े, वही छड़ी, वही छीके, वही ग्वालवाल जिन्हें मैंने चुराया वो ब्रज में भी हैं। मेरे वाले सही हैं या उनके वाले सही, इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी वहां से आ गए। कहां? इस भूलोक में, पृथ्वी लोक में महाराज। अब ब्रह्मा जी पहुंच गए ब्रज क्षेत्र में, भगवान ने बनाया ब्रह्मा जी का भेष और पहुंच गए कहां? ब्रह्मलोक में। द्वारपालों को कह दिया कि अगर कोई बहरूपिया आए तो उसे बाहर से भगा देना, मालिक तुम्हारे हम अंदर बैठे हुए हैं अभी विश्राम कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी ने देखा और देख करके लौट करके आए। द्वारपालों ने कहा कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, भांग चढ़ा रखी है, अपने मालिक को रोकते हो, तुम्हारे मालिक है अंदर जा रहे हैं। ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है, वो अंदर बैठा है, तुम कौन हो, तुम्हारे जैसे बहरूपी बहुत डोलते हैं, चलो अपना रास्ता नापो। ब्रह्मा जी ने सोची कि अच्छी गद्दी चुराई महाराज, अच्छे ग्वाल बाल चुराए, हमारी गद्दी भी चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा जाने नहीं दोगे, लेकिन देखने तो दो कि लीला क्या हो रही है महाराज। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखते हैं कि भगवान बैठे हुए हैं उनकी गद्दी में और मुस्कुरा रहे हैं। कहा क्यों ब्रह्मा जी, तुमने हमारे ग्वाल वाले चुराए, बछड़े चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी ही साफ कर दिया, बजाओ मारे मारे फिरो, हमारी तो व्यवस्था है, तुम अपनी व्यवस्था देखो। ब्रह्मा जी ने शर्म से महाराज उनकी नजर झुक गई, उनके नेत्र झुक गए, प्रभु क्षमा कर दो। 40 मंत्रों में स्तुति की, लेकिन भगवान ने एक शब्द नहीं बोले, भगवान वहां से पधारे ब्रज मंडल में।